So good afternoon, everyone. My name is Dr. Veer Vikram. I am working as a professor and head department of pharmacology at Dental College, Firozpur. So today I have delivered the lectures on diabetes. So as per the title of this, diabetes is a silent killer. So basically, first of all, I will introduce myself. I have done my PhD from BMC Hospital, Ludhiana, under the kind supervision of Professor Sandeep Kaushal. And I have worked on diabetic nephropathy. During my research work, I also work on antibiotic-induced nephrotoxicities. During my, again, research, I have visited 14 times out of India to deliver the lectures on the topic of hospital management, pharmacy management, LASA drug, high alert medicines, and after as well as diabetic nephropathy. So today, what is diabetes? I will start my presentations. That is, diabetes hai kya? Hum sunte hain isko sugar ho gayi. Ye hoti kya hai diabetes? So diabetic is a metabolic disorders. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मीन्स सपोज हमने मीठा खाया, मीठा खाते ही हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया. तो क्या ये सभी के लिए है? हर कोई बंदा शुगर खा रहा है, क्या शुगर खाते हुए उसकी डायबिटीज़ का लेवल बढ़ जाएगा? सो डैट इज़ नॉट, इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा भी सिस्टम है जिसकी वजह से जो हमने जो शुगर खाई, जो मीठा खाया, वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जीज में. और उसको कौन चीज कन्वर्ट कर रही है एनर्जी में? डेट इज इंसुलिन. इंसुलिन क्या है, कहाँ से मिल रही है? सो इंसुलिन जो है हमें मिल रही है पेनक्रियास से. पेनक्रियास हमारा इंसुलिन बना रहा है. इंसुलिन पेनक्रियास क्या है? पेनक्रियास के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं और जो इंसुलिन बना रहा है वो बीटा सेल्स है. अब इंसुलिन बना रहा है पेनक्रियास, ग्लूकोज हम खा रहे हैं फूड के साथ. अब फूड के साथ खाया है तो जो ग्लूकोज और पेनक्रियास से जो इंसुलिन निकली है वो आपस में मिलके हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. अब क्वेश्चन ये है, डायबिटीज फिर कैसे होगी किसी को? तो हम क्या कह रहे हैं, डायबिटीज होती कैसे है? या तो हमारा पेनक्रियास इंसुलिन ना बनाए, या बहुत कम मात्रा में बनाए, या रिलीज ना कर पाए, तो हम कहते हैं जी इस पर्सन का ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया. अब आप डॉक्टर के पास विजिट करते हो तो डॉक्टर कहता है ये टाइप वन है, ये टाइप टू डायबिटीज है. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप वन एंड टाइप टू डायबिटीज? सो टाइप वन क्या होती है? जब हमारा पेनक्रियास इंसुलिन नहीं बना पाता, इट मीन्स हमें इंसुलिन बाहर से पेशेंट्स को देनी पड़ेगी. टाइप टू डायबिटीज मीन्स हमारा पेनक्रियास इंसुलिन तो बना रहा है लेकिन रिलीज नहीं कर पा रहा. तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेशेंट्स को टैबलेट्स देनी पड़ेगी. टैबलेट्स देंगे तो वो पेनक्रियास पे एक्ट करेंगी और इंसुलिन को रिलीज करेंगी, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा ग्लूकोज लेवल है, वो कम होना शुरू हो जाएगा. सो डायबिटीज के बारे में अगर हम रिसर्च की बात करें तो पहले जो साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले देखा कि कुछ चींटियां, एक पर्सन ने यूरिन पास आउट किया, यूरिन पास करते ही कुछ चींटियां उस यूरिन के पास पहुंच गई. ही जस्ट टुक सम आइडिया भी हाँ इसमें यूरिन के अंदर कुछ मीठा है, जिसकी वजह से जो चींटियां उसके पास पहुंची हैं. उस साइंटिस्ट का नाम था होसे. फिर धीरे धीरे और साइंटिस्ट ने काम करना शुरू कर दिया. ठीक, अब जब साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे तो एक और स्टूडेंट था, मेडिकल स्टूडेंट था, उसने देखा भी हमारा पेनक्रियास है, हम कहते हैं इंसुलिन बना रहा है. उसने एक डॉग लिया, डॉग का पेनक्रियास निकाला, फिर एक और डॉग लिया, उसका पेनक्रियास निकाला, और पहले वाले डॉग को जो सेकंड डॉग का पेनक्रियास था उसका एक्सट्रैक्ट उसको लगा दिया. उसको लगाते ही जो फर्स्ट डॉग था उसमें इम्प्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो गई.
तो एक स्टूडेंट ने टुक द आइडिया एंड उस स्टूडेंट्स बेस्ट एंड बेंटिंग जो एक स्टूडेंट और टीचर थे उन्होंने इंसुलिन्स को बनाया। अब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है, डायबिटीज इज ए साइलेंट किलर विच किल पार्ट बाय पार्ट ऑफ अवर लाइफ्स, हमारी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। कैसे? मैंने स्टार्टिंग में किया, डायबिटीज मीन्स हमारी बॉडी के, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब ग्लूकोज हमें मिल कहाँ से रही है? ग्लूकोज वी हैव गॉट फ्रॉम ब्रेड, दालें, पास्ता, राइस, फ्रूट, वेजिटेबल, इवन दो डेयरी आइटम से, मिल्क से मिल रही है। हमें ग्लूकोज किसी ना किसी मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। अब ये ग्लूकोज यूज कहाँ हो रही है? ग्लूकोज इज यूज बाय द बॉडी फॉर एनर्जी। लाइक हम भाग रहे हैं, हम प्ले कर रहे हैं, हम स्विमिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो रही है। अब जो इंसुलिन है, इंसुलिन इज ए हार्मोन डैट मेड इन पेनक्रियास एंड वर्क लाइक ए की ऑफ डोर। मीन्स एक डोर है, जैसे ग्लूकोज वहां पहुंचा, इंसुलिन ने चाबी है, उसने दरवाजा खोल दिया। और ग्लूकोज जो हमारा शुगर लेवल था वो एक हमारे ब्लड स्ट्रीम में एक एनर्जी की तरह यूज होना शुरू हो गया। अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रही, तो इट मीन्स वो डोर बंद है। तो डोर बंद है तो इट मीन्स जो शुगर का लेवल है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब डायबिटीज क्या है? डायबिटीज होती क्यों है? वन इज बैड डाइट, आदत पड़ गई है बर्गर पिज्ज़ा खाने की, कोल्ड ड्रिंक पीने की, यानी हमारी डाइट शेड्यूल चेंज हो गई। लाइफस्टाइल, हम कहते हैं जी वो फलाना चेन स्मोकर है, मैं क्यों नहीं हूं, हमने लाइफस्टाइल चेंज अपना कर लिया। स्ट्रेस, आजकल 5 साल के बच्चे को स्ट्रेस है, 60 साल के बूढ़े को भी स्ट्रेस है, जॉब की स्ट्रेस, फैमिली मैटर्स की स्ट्रेस, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज। लास्ट में नो एक्सरसाइज, हम वॉक ही नहीं करते। आज बच्चे को पूछो क्या गेम खेलता है, कहता है मोबाइल पे गेम मेरी चल रही है। इट मीन्स बच्चा प्ले ग्राउंड में जा ही नहीं रहा। इन चीजों की वजह से द पेशेंट द पर्सन्स एंड डायबिटीज विल अकर। और माय डियर फ्रेंड्स जो इस चीज को देख रहे हैं, लाइव हो रहे हैं, ऐसा समय भी आ जाएगा जब आपको क्रिसमस पे सेंटा क्रॉस टॉफी नहीं बांटेगा, वो कहेगा आई विल गिव यू वन इंसुलिन इंस्टेड ऑफ कैंडी, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ गया है। ये था एक बातें। अब WHO क्या कहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह रही है कि 1980 में 108 मिलियन पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड 2014 में 422 मिलियन। और अगर ये ऐसे ही राइज होते रहे, अकॉर्डिंग टू WHO द पेशेंट्स विल बी 629 मिलियन इन 2045। एट द सेम टाइम द पीपल्स हु हैव हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज द एज इज 65। और अभी रिसेंटली जो डाटा पहुंचा है वो कह रहा है जो बच्चे 18 साल से कम के हैं दे हैव रिजन 4.7% टू 8.5% द डायबिटीज अकर्स। डायबिटीज इज द सेवंथ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अकॉर्डिंग टू WHO इन 2030 इफ डायबिटीज विल नॉट बी क्योर। ये जो डाटा था हम बता रहा हूं, ये डाटा, इट मीन्स नंबर ऑफ द पीपल्स आर राइज राइज, चाहे वो अमेरिका है, अफ्रीका है, इंडिया है, इजिप्ट है, साउथ ईस्ट एशिया है, द नंबर इज कॉन्टिन्यूसली राइज। 156% अफ्रीकन आर राइज। अगर इसी तरह से पीपल्स, इसी तरह से लोग बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, मेडिसिन की कॉस्ट उस पर अफेक्ट डालेगी। इट मीन्स अगर 2015 में 156 बिलियन खर्चा हो रहा है तो यूरोप में 2040 में इट विल बी 174 बिलियन। वास्ट मनी इज इन्वेस्टेड इन द डायबिटीज ड्रग्स। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा इंडिया 2017 में सेकंड नंबर पे था, दैट इज 72.9 मिलियन पीपल्स आर सफरिंग विद डायबिटीज इन इंडिया। एंड चाइना पहले नंबर पे, दैट इज 114 मिलियन पीपल्स। यूनाइटेड स्टेट थर्ड नंबर पे है।
और अगर यही डायबिटीज बढ़ती रही, इन 2045 इंडिया गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन डायबिटीज, डेट नंबर विल बी 134.3 मिलियंस। दिस डाटा इज अकॉर्डिंग टू WHO एंड IDF। सो अब ये एक पैंडमिक डिजीज बन गई है, मोस्टली द पीपल्स आर सफरिंग, पीपल्स आर डिपेंड अपॉन मोबाइल्स, प्लेइंग ऑन फेसबुक, प्लेइंग ऑन इंस्टाग्राम। अगर यही चलता रहा तो एक समय यह भी आ जाएगा, डी एडिक्शन सेंटर खुलेंगे। और डी एडिक्शन सेंटर इसलिए खुलेंगे, सपोज वन पेशेंट इज कमिंग, वो कहेगा भी इज इट अल्कोहलिक्स, तो आप कहोगे नो, दिस इज ड्यू टू द व्हाट्सअप, ऑल नाइट ही प्लेइंग ऑन द व्हाट्सअप। सो डायबिटिक इज ए ग्लोबल पैंडमिक, 137 मिलियन पीपल्स ऑफ डायबिटिक इन ग्लोबली, एंड 52 मिलियन पीपल्स हैव डायबिटिक इन 2030। सो 80% पीपल्स इन मिडल इनकम कंट्रीज, द पीपल्स आर राइज्ड। सो अब मैंने आपको पहले बता दिया डायबिटीज टू टाइप्स की हैं, ब्रिंग देम ऑन कैमराज, सम क्वेश्चंस आर गोइंग ऑन। सो मैंने कहा डायबिटिक्स टू टाइप की, लाइक टाइप वन, टाइप मीन्स हमारा जो बीटा सेल्स है वो, पैनक्रियास का बीटा सेल्स है वो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टिकली अटैक हो गया, जिसकी वजह से हमारा इंसुलिन, नो इंसुलिन और वेरी लो इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। सो टाइप वन इज ओनली ट्रीटेड विथ इंसुलिन। इन टाइप टू अकर्स व्हेन द बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज द इंसुलिन, that is released. Another, glucose build up in the bloods instead of being used as energies. So it can be managed by physical activities, meal planning and medications, type 2. Or third, ek aur hai, gestational diabetes. It means during pregnancy diabetes will be occurs. So it is a temporary conditions and its affect approximately 2-4% in all pregnancy. That involve an increased risk of developing diabetes of both mothers as well as the child. So, कैसे फिर दोबारा हमारा हेल्दी पेनक्रियास है, इंसुलिन रिसेप्टर है, ग्लूकोज है, इंसुलिन अपने इंसुलिन रिसेप्टर के साथ गई, बाइंड किया, ग्लूकोज के साथ मिली, एनर्जी बन गई। टाइप वन में हमारा पेनक्रियास इंसुलिन ही नहीं बना पा रहा, ग्लूकोज सेल के ऊपर पड़ा हुआ है। टाइप टू में हमारा पेनक्रियास इंसुलिन तो बना रहा है लेकिन प्रॉपरली नहीं बना रहा, कम बना रहा है, जिसकी वजह से बहुत कम इंसुलिन यूज हो रही है। तो हम पेशेंट्स को टैबलेट देते हैं, पेनक्रियास भी एक्ट करती है, इंसुलिन को रिलीज करती है, तब जाके थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आ रहा है। अब डायबिटिक के सिम्टम क्या है, हम कैसे कह सकते हैं पेशेंट्स को डायबिटीज है। One is he is always tired, थका हुआ, frequent urinations, always hungry, and he has sudden weight loss, even though vaginal infections, always thrust, blurry visions, sexual problems, numbness or tingling hand or feet. So these are the symptoms of diabetes. अब डॉक्टर्स कहते हैं जी ब्लड ग्लूकोज चेक करो अपना ब्लड, तो ब्लड जो ग्लूकोज चेक करवाते हैं, वन इज फास्टिंग, अनदर इज पोस्टप्रांडियल। फास्टिंग की क्या रीडिंग होती है, तो हम नॉर्मल रीडिंग को मान के चलते हैं 70-90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज द नॉर्मल रीडिंग फॉर द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। प्री डायबिटिक हम मानते हैं 100-130 एंड डायबिटिक कंडीशन इज मोर देन 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। पोस्टप्रांडियल में वी कैन डिस्कस भी, अगर 140 से कम है तो हम पोस्टप्रांडियल, 140-200 इज प्री डायबिटिक्स एंड डायबिटिक इज मोर देन 200। एक और है टेस्ट HbA1c, इट मींस जो हमारे ग्लूकोज है कितने मात्रा में हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया हुआ है, तो वो एक एवरेज निकालते हैं, दैट इज लेवल ऑफ 8-12 वीक्स पीरियड। So, उसमें है नॉर्मल रीडिंग है 6 तक हम लेके चलते हैं और एलिवेटेड लेवल 7-10
और सीरियसली एलिवेटेड दैट इज मोर देन 10। सो इंसुलिन पहले हमने डिस्कस किया, इंसुलिन है क्या? इंसुलिन इज रिलीज्ड फ्रॉम पैनक्रेटिक बीटा सेल्स, डिस्कस कर लिया, इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब हमारा ग्लूकोज बढ़ जाता है, इंसुलिन रिलीज होती है, इंसुलिन ब्लड के साथ ग्लूकोज के साथ मिल जाती है एंड प्रमोट अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, और ये एनर्जीज में प्रोवाइड करती है जिससे हमारी बॉडी वॉक कर पाती है। अब इंसुलिन कैसे, हमारा स्टमक है, स्टमक के पास पेनक्रियाज है, स्टमक कन्वर्ट फूड टू ग्लूकोज, ठीक है, हमने फूड खाया, स्टमक में गया, स्टमक में फूड था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, लेट्स कन्वर्ट। ग्लूकोज एंटर इन तो ब्लड स्ट्रीम पहुंच गया, पेनक्रियाज प्रोड्यूस सफिशियंट इंसुलिन बट इट इज रेजिस्टेंट टू अफेक्टिव यूज, पेनक्रियाज बना रहा है इंसुलिन। अब ग्लूकोज इज अनएबल टू एंटर द बॉडी अफेक्टिवली, अगर ग्लूकोज एंटर नहीं कर पाया, पेनक्रियाज इंसुलिन भी बना रहा है और अफेक्टिवली नहीं यूज हो रही, ग्लूकोज बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर पाया तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, वी कैन से द पेशेंट इज सफरिंग विद डायबिटीज। मैंने की एंड लॉक की एग्जांपल दी, इंसुलिन रिसेप्टर है, रिसेप्टर्स एक इंसुलिन है, इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो गेट को ओपन कर दिया, ग्लूकोज क्या ग्लूकोज पहुंचा, ग्लूकोज पहुंचते ही ग्लूकोज और इंसुलिन आपस में जुड़ गए और एनर्जी प्रोवाइड होगी। इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ग्लूकोज जो है ग्लूकोज रिसेप्टर के पास बाइंड करेगा, वहां से अंदर आएगा, ग्लूकोज यूटिलाइज होएगा, वो ग्लाइकोजन लिपिड प्रोटीन इन सिंथेसिस को करने में हेल्पफुल होगा। अब डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, डायबिटीज कैसे हो रहा है और अगर डायबिटीज का क्योर ना हो तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। सो डायबिटीज मीन्स अगर पेशेंट ओवरवेट है, ओबेज है, डायबिटिक होने का खतरा है, जेनेटिकली फैमिली हिस्ट्री है उसकी, डायबिटिक होने का खतरा है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक होने का खतरा है, गेस्टेशनल डायबिटीज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, डायबिटिक होने का खतरा है। अगर यही है तो पेशेंट, इफ पेशेंट इज न्योर नॉट क्योर्ड तो उसको एक लेट कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, लेट कॉम्प्लिकेशन रेटिनोपैथी आंखें खराब, न्यूरोपैथी नर्व्स, नेफ्रोपैथी किडनी खराब, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हार्ट डिजीज, ये कॉम्प्लिकेशंस विल अकर, इंसेफेलोपैथीज आल्सो। सो पेशेंट्स का क्या है, सिम्टम कैसे होते हैं, उसको पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया मीन्स एक्सेस यूरिन पास आउट का और बहुत ज़्यादा भूख लगे। अगर हम नॉर्मल कंडीशन देखें तो एक दिन में 1 से 2 लीटर यूरिन पास आउट कर रहा है पर्सन एक नॉर्मल कंडीशन में। पॉलीयूरिया इज द कंडीशंस मोर देन 2.5 लीटर अगर वो यूरिन पास आउट कर रहा है तो वी कैन से ही सफरिंग विद सम डिजीज, कुछ ना कुछ इसको अकर हो गया है जिससे उसका ग्लोमरेशन फिल्टरेशन रेट इंक्रीज हो रहा है। डायबिटीज कंडीशन में क्या है, पॉलीफेजिया मींस वो एक्सेस ईट कर रहा है और उसके जो बॉडी सेल्स हैं वो मांग रहे हैं और वो ग्लूकोज से स्ट्रेव हो रहे हैं। अब जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, अगर हम किडनी का देखें, डायबिटिक नेफ्रोपैथी डायबिटीज हो गया, डायबिटीज होने से क्या हो गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ते ही डिफरेंट पाथवे इन्वॉल्व हो गए और ये पाथवे जैसे इन्वॉल्व हो गए उसने क्या करना है, उसने जो हमारे फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ डायबिटीज मींस किडनी की स्ट्रक्चर भी चेंज कर देनी, फंक्शन भी चेंज कर देने, जिसकी वजह से नेफ्रोपैथी अकर हो जानी है। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है, मीन्स डायबिटिक न्यूरोपैथी मीन्स डैमेज ऑफ नर्व इन द बॉडी डेट अकर ड्यू टू द हाई ब्लड शुगर लेवल फ्रॉम द डायबिटीज, मीन्स हमारी नर्व ही डैमेज हो जानी, नर्व डैमेज होगी ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, पेन जो है अनप्लेजेंट पेन रहेगी, दैट इज सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल एंड पोटेंशियल टिश्यूज डैमेज और डिजायर डिस्क्राइब इन टर्म्स सच एज डैमेज, मीन्स पेन भी हो जानी वो कि अनप्लेजेंट रहेगी, हमें
एक्सपीरियंस होगा उस चीज का, मीन्स हमारी नर्व डैमेज होगी ड्यू टू द डायबिटीज, दैट कॉज द डायबिटिक न्यूरोपैथी। रेटिनोपैथी की अगर हम बात करें, मीन्स रेटिनोपैथी मीन्स हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं ऑफ लाइट सेंसिटिव टिश्यूज एट द बैक ऑफ द आई, रेटिना की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो गई, इट मीन्स डायबिटीज कॉज रेटिनोपैथी। सो डायबिटिक रेटिनोपैथी के जो सिम्टम आते हैं, नो सिम्टम और ओनली माइल्ड विजन प्रॉब्लम्स। कई बार हम कहते हैं आंखें पता नहीं चलता, आंखों की रोशनी थोड़ी गड़बड़ हो रही है, पर दैट इज ड्यू टू डायबिटीज। द पेशेंट हु आर सफरिंग विद डायबिटीज, रेटिनोपैथी विल बी अकर। इंसेफेलोपैथी मीन्स डैमेज टू द ब्रेन कॉज्ड बाय डायबिटीज, हमारा ब्रेन डैमेज हो गया। इट कैन इंड्यूस बाय अलर्ट मेंटल स्टेट, चेंज इन पर्सनैलिटी, मेमोरी रिलैप्स, सीवियर इंपेयरमेंट लाइक डिमेंशिया, इवन सीजर, उसको दौरे पड़ने, उसकी पर्सनैलिटी चेंज, ही नेवर कॉम द हेयर, ही इज नेवर वियर्स द प्रॉपर, ही वियर द डर्टी क्लोथ्स। सो इस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आने स्टार्ट हो गए, तो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डायबिटिक, दैट कॉज डायबिटिक इंसेफेलोपैथी। कार्डियोमायोपैथी, हम कहते हैं जी हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम कैसे होगी, इट मीन्स पेशेंट्स हु आर सफरिंग विद द डायबिटीज, उसके शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और ट्रबलिंग ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत, स्पेशली विद फिजिकल एग्जर्शन, दौड़ लगाई, थोड़ा सा चला, उसके बाद सांस चढ़ गया, डेट इज सिम्टम ऑफ डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी। उसके स्वेलिंग ऑफ एंकल, एड़िया में स्वेल आ जाना, पैरों में स्वेल, लेग्स में स्वेल, एब्डोमेन एंड वेन इन द नेक, वहां पे भी स्वेलिंग पोर्शंस आ जाना, नसें मोटी मोटी सी होनी शुरू होगी, तो डेट इज द ऑल्सो सिम्टम ऑफ डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी। अब एक और है डायाबेस्टी, मीन्स पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड ही इज ऑल्सो ओबेज। तो अगर वो पेशेंट्स ओबेज है, टाइप 2 डायबिटीज है, द ओबेसिटी इज इंड्यूस एंड इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट। कहने का मतलब पर्टिकुलर पीपल्स आर सेंट्रल ओबेज, फैट कोलेक्ट अराउंड द वेस्ट एंड मोस्ट लाइकली टू बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट। अब ओबेज मतलब उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, जेनेटिकली प्रॉब्लम्स है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, ओबेज हो गया, ओबेज हो गया तो देर इज रिस्क ऑफ डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम चेंजेस हो गए, अब उसमें डायबिटीज आना स्टार्ट हो गया, डायबिटीज स्टार्ट हो गया तो उसको आर्थरोस्क्लेरोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी सिम्टम, और वो डिसेबल हो गया, चल नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा तो एंड स्टेजेस डेथ विल बी अकर ड्यू टू द डायबिटिक। अब सारी चीजें तो हमने बात कर ली, डायबिटीज की प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, डायबिटीज के बारे में बात हो गई, अब एक और क्वेश्चन है, इसको आप कंट्रोल कैसे करें, प्रिवेंट कैसे करें। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक मेलिटस मीन्स अब कैसे करें, सबसे पहले तो हम अपनी डाइट को मैनेज करें, हाउ टू मैनेज द डाइट, मीन्स ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। सो ईट हेल्दी मीन्स आपको ऐसा भोजन जो आपके लिए अच्छा हो, आप अपनी डाइट को प्रॉपर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिकेशन कीजिए, और एक सबसे वर्ड है ट्रैक, TRACK, टी स्टैंड फॉर टेक योर मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब बाय योर डॉक्टर, जो डॉक्टर ने अभी प्रिस्क्राइब किया वो मेडिकेशंस ले ली, आर रीच एंड मेंटेन हेल्दी वेट थ्रू हेल्दी डाइट, हेल्दी वेट थ्रू हेल्दी डाइट, डाइट आपकी हेल्दी हो। थर्ड ए, एड मोर फिजिकल एक्टिविटीज टू योर डेली रूटीन, फिजिकल एक्टिविटीज साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग। सी कंट्रोल योर ABC, ए डेट इज HbA1c, आई हैव डिस्कस, बी ब्लड प्रेशर एंड सी कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसको भी कंट्रोल करना, एंड के किक द स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन हैबिट, उन चीजों को दूर करो। सो दीज आर द ट्रैक डेट इज मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज।
अगर अब मैनेजमेंट डायबिटीज होगी, इट मीन्स आपने फॉलो करना है डाइट, एक्सरसाइज, ट्रीटमेंट शेड्यूल एज प्रिस्क्राइब बाई योर फिजिशियन. डू नॉट टेक सम हर्बल और अदर टाइप ऑफ आल्टरनेटिव मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग द मेडिकल एक्सपर्ट. हम क्या कहते हैं जी, करेले से जी डायबिटीज ठीक हो रही है, पता है ठीक है. हम पेशेंट्स जो है सुबह शाम करेला 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 खा गया, तो करेले के अंदर मोरोमैंडिन सॉल्ट है, तो पेनक्रियास पे एक्ट किया, नो डाउट उसने बीटा सेल्स पे इफेक्ट तो किया, पर इतना ज़्यादा उसकी बॉडी के अंदर ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स पहुंच गए, तो रिस्पॉन्स अनदर कॉम्प्लिकेशंस विल बी अकर्स. सो मेडिकेशंस डू नॉट क्योर द डिजीज, नीड टू टेक ऑन रेगुलर बेसिस फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज. सो नेवर स्टॉप द ट्रीटमेंट विदाउट कंसल्टिंग फिजिशियंस फॉर एनी रीजंस. अपने आप बंद नहीं करना. एंड डू नॉट बिकम द विक्टम ऑफ सम एडवर्टाइजमेंट क्लेम टू क्योर डायबिटीज. हम ये जी इस बाबा के पास जाओ, वो आपको ऐसे कर देंगे, ठीक है, और ये तवीत बांध देंगे जिससे ठीक हो जाएंगे. सो इन चीजों के पीछे नहीं भागना. वी शुड वॉक एंड वी शुड कंसल्ट विद द डॉक्टर्स एंड वी शुड फॉलो द प्रॉपर मेडिकेशंस, मेथड्स और ट्रीटमेंट. और क्या करना है, अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है तो अवॉइड लो ब्लड शुगर लेवल एंड कैरी शुगर सोर्सेस ऑल टाइम. मीन्स अगर उसको हाइपोग्लाइसीमिया है, उसका ब्लड शुगर लेवल बहुत कम है, तो उसको हमेशा अपनी जेब में शुगर कैंडीज रखनी चाहिए. लगे तो यू शुड टेक वन शुगर. टेक मेडिसिन रेगुलरली एट द सेम टाइम ऑफ द डे. मैनेज कर लिया, अभी ये टाइम है, खाना खाने के बाद ये टेबलेट लेनी है. अगर मिस हो गए, सपोज भूल गए डोज लेना, और आपको दूसरे टाइम में याद है यार सुबह मैंने मेडिकेशन नहीं ली, दोपहर वाली मेडिकेशंस ले रहा हूं, तो सुबह और दोपहर वाली मेडिकेशन इकट्ठा कर लूं, नेवर. आपने मेडिकेशन नहीं लेनी. तो क्या है, एज सून एज अगर ऑलमोस्ट टाइम ऑफ द नेक्स्ट डोज इज जस्ट नियर, स्किप द मिस डोज एंड रिटर्न टू रेगुलर शेड्यूल्स ऑफ द डोज. नेवर नेवर टेक द डबल डोज, नहीं ले. कीप योर मेडिसिंस अवे फ्रॉम हीट, मॉइस्चर, सनलाइट, चिल्ड्रन, पेट. ठीक है, गलती से कोई भी ले सकता है. और डायबिटीज एंड ट्यूबरक्लोसिस हैव बीन शोन क्लोज कनेक्शन. एंड डू नॉट इग्नोर एनी सिम्टम ऑफ टीबी, स्पेशली कफ. अगर पेशेंट्स को कफ हो रही है इस ड्यूरेशन के दौरान, तो दे आर, बिकॉज क्या है, हमारी इम्यूनिटी इज वीक. अगर इम्यून सिस्टम इज वीक तो हमें बीमारी होने का खतरा ज्यादा रहता है. तो इम्यूनिटी इज वीक होने की वजह से द पेशेंट इज सफरिंग विद अनदर डिजीज ऑल्सो. जितने भी हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, दे कैन हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन एंड मोनिटरिंग ऑफ डायबिटीज बाय चेकिंग योर ब्लड ग्लूकोज लेवल. सो दे कैन एडवाइज रिगार्डिंग बेस्ट यूज ऑफ मेडिसिन. आपने मेडिसिन कब लेनी है, क्या ये खाने से पहले लेनी है या खाने के बाद लेनी है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसकी स्टोरेज क्या है, और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं. सो आपको प्रैक्टिशनर्स, फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स, दे कैन ईजली डिस्कस विद यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन विद देम. दे कैन ऑल्सो हेल्प यू टू टेक यूर मेडिसिन एज पर द ट्रीटमेंट शेड्यूल. भी आपका ये ट्रीटमेंट है, ये चलेगा, तो आपने ऐसे लेनी. तो इस तरीके से यू कैन टेक. जब भी अब पेशेंट है, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज है, जिसको इंसुलिन लगती है. अब इंसुलिन अगर लगती है तो उस पेशेंट्स को क्या है, सबसे पहले तो राइट इंसुलिन, कौन सी इंसुलिन लेनी है, राइट सिरिंज, कैसी सिरिंज होनी चाहिए उस इंसुलिन के लिए, प्रॉपर सिरिंज है, कब लगनी है, एट व्हाट टाइम उसको चाहिए, एंड राइट डोज, कितनी डोज पेशेंट को इंसुलिन की लगनी है. तो ये सारी चीजें जब डॉक्टर आपको लिख देगा, यू कैन परचेज द इंसुलिन फ्रॉम द फार्मासिस्ट या ड्रग स्टोर्स. वहां पे वो आपको कोल्ड चेन देगा, मीन्स रेफ्रिजरेटर में से इंसुलिन निकाल के बर्फ के पैक में देगा,
तो वहाँ घर जाके आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रखना है। सो डेट इज डिपेंड कि इंसुलिन कौन सी, आजकल पेन इंसुलिन है, पेन आ गया वो लगा लिया, इंजेक्ट कर लिया। सो और रूट, डेट इज द इम्पॉर्टेंट, डेट इज सबकुटेनियस रूट, पकड़ के इंजेक्ट कर दिया। सो जो हमारे सेल्फ केयर ट्रिप है, आजकल ग्लूकोज मोनिटर्स है, ग्लूकोज मोनिटर्स क्या कर रहे हैं, डेट इज आप घर पे भी अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर पाते हो। अगर कोई हमें इन्फेक्शंस है, जख्म है, हील नहीं हो रहा, इमीडिएटली डिस्कस विद द डॉक्टर्स। कंप्लीट मेडिकल चेकअप इंक्लूडिंग आई फुट एग्जामिनेशंस वंस इन ए ईयर। अवॉइड स्मोकिंग, ईट एट रेगुलर इंटरवल टू अवॉइड लो ब्लड शुगर लेवल। बंदे को हाइपोग्लाइसमिक है, उसमें ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, तो उस बंदे को इंटरवल्स के बीच में खाना खाना पड़ेगा। क्वेश्चन एक और राइज होता है, बहुत सारी मेडिसिंस हैं मार्केट में, कैसे ये मेडिसिंस मार्केट में आई, कैसे इनका ट्रायल हुआ? तो इनके ट्रायल्स प्री क्लिनिकल ट्रायल हुए, उसके बाद क्लिनिकल इनकी स्टडीज हुई और डिफरेंट एनिमल मॉडल्स यूज हुए। जैसे हमने रैट को, सबसे पहले रैट को इंजेक्ट करते हैं, रैट को हम डायबिटीज इंड्यूस करते हैं, एंड देयर इज डिफरेंट मेथड। जैसे हम केमिकल्स आते हैं, एसटीजेड स्ट्रेप्टोजोटोसिन, हमने रैट को इंजेक्ट किया, डायबिटीज हो गई, एलोक्सन्स के किया, सो सर्जिकल प्रोसेस से किया, जेनेटिकली इंड्यूस किए मॉडल्स एंड वायरस इंड्यूस। तो इस करते ही हमने, उसके बाद हम ड्रग के ट्रायल्स करते हैं एनिमल्स पे, ड्रग के ट्रायल्स के करने के बाद हमें रिजल्ट आते हैं, तो उस रिजल्ट को हम पब्लिश करते हैं। और बहुत सारी हर्ब्स हैं डेट इज रिकमेंडेड बाय द डिफरेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, एंड जिसमें बेल, गार्लिक, ठीक है, मोरमेंडा चरेंशिया, एम्बेलिका ऑप्शन लाई, सो डिफरेंट हर्ब्स डेट आर रिकमेंडेड बाय, और दीज ड्रग्स आर क्लेम टू अवॉइड एनी एडवर्स इफेक्ट। हम कहते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं है। सो दीज क्लेम आर एफिकेसी एंड सेफ्टी हैव नॉट बीन डॉक्यूमेंटेड बाय द कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स, अभी ट्रायल नहीं कर पा रहे। सो अगर ये डॉक्यूमेंटेड है, जैसे मैंने भी फोर प्लांट लिए जिसमें मोरमेंडा चरेंशिया, मीन्स करेला लिया, सो करेला डेट इज इम्प्रूव द ग्लूकोज मेटाबोलिज्म एंड इम्पार्ट ऑफ हाइपोग्लाइसमिक इफेक्ट इन डायबिटिक पेशेंट, डेट इज रिकमेंडेड। एशियन टाइम वी ऑलरेडी यूज द करेलास फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, बट कितना लेना चाहिए डेट वी शुड डिस्कस विद द डॉक्टर्स। सो अनदर आई हैव चूज एम्बेलिका ऑप्शन लाई, डेट इज द आंवला। अब आंवला क्या है, दे हैव न्यूमेरियस थेरापेटिक अफेक्ट इंक्लूडिंग कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स, उसके लिए बहुत अच्छा है, लिवर डिसफंक्शंस एंड इन्फ्लेमेशंस, इसके लिए आई हैव चूज द एम्बेलिका ऑप्शन लाई। थर्ड आई हैव चूज द ट्राइबुलस टेरिस्ट्रीज, जिसको हम गोक्रू कहते हैं, एंड गोक्रू इंक्रीज द सीरम टेस्टेरोन लेवल्स, अफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ सेक्शुअल इरेक्टाइल डिसफंक्शंस एंड इट कन्वर्सेशन इन फाइटोकेमिकल डेरिवेटिव्स, तो कन्वर्ट हो रहा है DHEA के साथ। फोर्थ मैंने लिया था ट्रगना फेनम ग्रेशियम्स, जिसको हम मेथी बोलते हैं, एंड दिस मिथी सेवरल स्टडी इंडिकेट द हाइपोग्लाइसमिक हाइपोलिपिडेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर सीड्स, सो दे हैव आल्सो कंट्रोल द डायबिटीज। अब इसकी डोज थी, डेट इज आई हैव सेलेक्टेड लाइक चेक द रिनो प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ दीज फोर प्लांट्स इन एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस नेफ्रोपैथी इन रैट्स। और जब ये इफेक्ट आ गए तो इसको मैंने एक जर्नल में भी पब्लिश किया, इसकी टॉक्सिटी चेक करने के लिए, डेट इज़ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन, डेट पेपर इज विद डॉक्टर संदीप कौशल एंड मायसेल्फ। फिर अभी रिसेंटली हमने एक शेड्यूल बनाया, डेट इज़ द ट्रीटमेंट शेड्यूल फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स, उसमें था भी हमने पेशेंट्स को डायबिटिक मेलाइटिस है टाइप 1 और टाइप 2, अगर टाइप 1 है तो हम कहते हैं सीधा इंसुलिन कंट्रोल, अगर टाइप 2 है तो हम उसको चेक करेंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं विदाउट कॉम्प्लिकेशन और विद कॉम्प्लिकेशंस। विदाउट कॉम्प्लिकेशन है तो हम उसको उसका वेट रेगुलर चेक करेंगे, मोनिटर्स करेंगे, उसको नॉर्मल वेट लॉस तो नहीं हो रहा, क्या उसका पोस्ट प्रेंडियल शुगर्स लेवल्स की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो हम ड्रग शेड्यूल्स पे डाल देंगे, अगर ओबेज है तो उसको बायोगोनाइड्स ड्रग पे डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम एक चेन बना के उसका ट्रीटमेंट शेड्यूल
बनाएंगे पेशेंट्स का। तो अगर पेशेंट्स को अगेन टाइप 2 डायबिटीज में भी उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो हम पेशेंट्स को इंसुलिन में भी डाल सकते हैं। पहले टाइप 2 में मैंने नहीं बताया था भी इंसुलिन नहीं देनी, अब मैं कह रहा हूँ उसको टाइप 2 डायबिटीज है और इंसुलिन कंट्रोल नहीं हो रही, वी कैन अगेन गिवन द इंसुलिन टू द पेशेंट्स बाय कंट्रोल हिज डायबिटीज। सो ऑन द लास्ट, मैनेज योर डायबिटीज इज नॉट ए साइंस, इट इज एन आर्ट। सो डिस्कस विद योर डॉक्टर्स एंड योर्स एक्सपर्ट्स हु आर वर्किंग ऑन दिस epidemic disease. If you have any questions, I think so most of people are watching on Facebook. If you have any query, question, you can also ask me. Otherwise, this session is over. Thank you. And on the last, I would like to thank Everest Institute of Yoga who invite me to deliver this particular event, that is International Yoga's Days. So on this particular event, I thank you, the management of this institution.